अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन द किचन विद फहमीदा। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक इजिप्शियन डिज़र्ट की रेसिपी है। इसका नाम है उम अली। बड़ी सिंपल सी यूनिक सी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाली। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। उम अली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक गिलास दूध बॉयल किया है और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच चीनी। मैंने चीनी हसबे ज़ायका डाली है। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उबलते हुए दूध में आपने चीनी डाल देनी है। और इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। उसमें मैंने डाला है किशमिश, बादाम बारीक बारीक सा कट करके, खोपरा क्रश हुआ हुआ। अब इसको 5 मिनट के लिए हमने इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको बॉयल करना है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टेट्रा पैक की क्रीम, 2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाली है। क्रीम ऐड करने के बाद मैं इसमें 2 चम्मच के बराबर खुश्क दूध डाल रही हूँ। अब ये लिक्विड बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे एक बाउल में ली है बाकर खानी। आप छोटे साइज़ की ले सकते हैं, जिस शेप की भी आपको पसंद हो आप बेकरी से उस शेप की ले सकते हैं। मैंने ये राउंड शेप में ली है। और अब जो दूध मैंने बनाया है ड्राई फ्रूट्स डाल के, उसको मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। दूध को हल्का सा ठंडा कर लेना है, फुल चूल्हे से उतारते ही गर्म गर्म नहीं डालना। अब जो मैंने दूध का लिक्विड तैयार किया था मैं उसको बकरखाने के ऊपर इस तरह से डाल दूंगी। ये देखिए मैंने सारा दूध इसमें डाल दिया। अब आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देना ताकि जो बकरखानी है वो जो एक्स्ट्रा मिल्क है बाउल में वो सारा सॉक कर जाए। गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बादाम, बहुत बारीक क्रश किए हैं मैंने। क्रश्ड कोकोनट मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा ये इजिप्शियन डिज़र्ट हमारा तैयार हो जाता है और बहुत सिंपल और जल्दी से तैयार हो जाता है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ क्रीम। ये देखें उम अली इजिप्शियन डिज़र्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। मज़ेदार सी उम अली इजिप्शियन डिज़र्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपने देखा कि कितना सिंपल तरीका है इसको बनाने का और बहुत जल्दी ये बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपने अब इसको आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको गरम गरम सर्व करते हैं या थोड़ा ठंडा कर लें फ्रिज में रख के। ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आपको जिस तरह भी ये डिज़र्ट खाना पसंद हो। आप हमारी रेसिपीज़ को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आई होप कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही होंगी। हम फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।